नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हुई, कौन से पैटर्न ब्रेक हुए, कौन से ट्रेंड में चला बैंक निफ्टी, कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमने ट्रेड करा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो फाइनली यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन आज बना है। आज बैंक निफ्टी ने जो है स्टार्टिंग जो है मॉर्निंग का जो ट्रेड हमारा था वो, चलिए मैं पहले आप इसके कैंडल के बारे में बात करता हूँ। जो सवेरे की जो मूव थी वो एक बहुत अच्छी मूव थी, अबाउट 15 मिनट से आधे घंटे के लिए वो मूव बहुत अच्छी थी और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट एक साइडवेज में चला गया और उसके बाद जो है एक अच्छा ट्रेंड हमको देखने को मिला। तो फाइनली यहाँ पर अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल देखिए एक सुपर बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो इस कैंडल का जो ओपनिंग हुई थी वो 29107 पर हुई थी, हाई जो लगा वो 29781 का लगा, लो लगा 29058 का और क्लोजिंग आई है 29738 पर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको जो है 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। देखिए सबसे पहले उसके पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ये मूव इस तरह से क्यों मतलब हैपन हुई है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये प्राइस एक्शन में देखिए कभी भी बैंक निफ्टी या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है तो वो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये देखिए, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटी सी करेक्शन थी और करेक्शन के बाद देखिए बैंक निफ्टी फिर जो है यहाँ पर अपने कंटिन्यू ये हो चुका है अब ट्रेंड की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए उससे पहले मैं आपको एक बड़े फिगर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मतलब अभी हमारा आने वाला टारगेट क्या हो सकता है। तो फाइनली आप अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक बैंक निफ्टी चैनल में ट्रेड कर रहा था। ये देखिए ये अपर चैनल का ट्रेंड लाइन है और ये लोअर चैनल का ये ट्रेंड लाइन है रेड कलर में जो आप देख रहे हैं। तो ये फाइनली इसका बीच का जो गैप है ये हमारा टारगेट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद हम जो है इसके बीच की जो विड्थ होती है इसको हम अपना टारगेट जो है मानकर चलते हैं। तो इसके बीच की जो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4500 से 5000 पॉइंट, मीन्स यहाँ पर 26500 पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। तो आप मान के चलिए 26500 से अगर 4000 पॉइंट भी हम मानते हैं तो 31500, अगर 4500 पॉइंट मान ले तो हम 32000, मीन्स यहाँ पर 32000 के लिए मतलब हम यहाँ पर निकल चुके हैं, हम यहाँ पर तैयार हैं 32000 को टच करने के लिए, बिकॉज हम इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं जो यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट हुआ है। देखिए मैं पैटर्न को देखते हुए मैं अपना टारगेट डिसाइड करता हूँ, मैं किसी न्यूज चैनल या फिर किसी कहने पर नहीं जाता हूँ कि मतलब नहीं अब यहाँ से रिवर्स होगा क्या होगा। देखिए जो होगा वो तो सबके सामने होगा, ठीक है ना, बट यहाँ पर जो हमारा पैटर्न जो कहता है हमने तो उसको फॉलो करना है। अब देखिए हम इसको हम लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और बताएंगे, बात करेंगे कि किस तरह से मैंने जो आपको एक कल मैंने चार्ट पोस्ट किया था और आपको मैंने बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ करके रखी, ये जो रेड कलर की आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब तक देखिए हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम बुलिश हैं। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम जो है कॉल साइड में ही ज्यादा जाएंगे, अगर हमको पुट साइड में जाना होगा तो हमको बहुत जल्दी अपनी पोजीशन कवर करनी होगी, बट अगर हम कॉल साइड में जा रहे हैं तो हम वहां पर जो है ट्रेड लेकर कुछ टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हैं, मीन्स 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उसको होल्ड कर सकते हैं बिकॉज ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है ना। हमेशा देखिए ट्रेंड की साइड में चलिए बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है ना, अगर ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं तो आप हमेशा यहाँ पर जो है अच्छे पैसे बनाकर जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसा बताया था ये जो फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर यहाँ पर बाउंस बैक किया। तो यहाँ पर हमने देखिए आज हमने टेलीग्राम में तीन ट्रेड किए और वो तीनों ट्रेड हमने टेलीग्राम में दिए थे, चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फाइनली ये देखिए एक सुपर बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी, ठीक है, 15 मिनट का जो कैंडल बना एक अच्छा कैंडल बना और उसके बाद जो दूसरा कैंडल बना था तो वो एक देखिए इनसाइड कैंडल था। अगर देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करिए, देखिए चीजों को समझिए, अगर चीजों को आप समझने लग गए तो यहां से पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यह 15 मिनट की कैंडल देखिए, आप 15 मिनट की कैंडल को देखने के बाद अब ये दूसरी 15 मिनट की कैंडल देखिए, ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक इनसाइड कैंडल दिखाई देगी, ठीक है। फाइनली इनसाइड कैंडल के बाद जो मूव होती है वो एक शार्प मूव होती है, ठीक है ना, ये लॉजिक मैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह सबको बताता हूँ जो मेरे से साथ पास ट्रेनिंग लेते हैं, जो मेरे से सीखते हैं, उन सब चीजों को उनको जो है मैं चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो देखिए ये एक इनसाइड कैंडल था और इनसाइड कैंडल का जो है फाइनली जो है यहाँ पर मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो गई, कुछ टाइम क्या है काफी टाइम के लिए साइडवेज हो गई थी और फाइनली जो ब्रेकआउट आया था वो 1 बजे आया था। और मैंने इस टाइम पे आपको एक टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको बताया भी था कि अब यहाँ पर 29500 की कॉल मेरे को बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और 29500 की क्लोजिंग के ऊपर जो है बहुत अच्छा कर सकती है।
देखिए वहां पर हमने कुछ रिस्क लिया था, अभी 29,500 की क्लोजिंग नहीं हुई थी, वहां पर हमने अपनी हाफ क्वांटिटी हमने एग्जीक्यूट कर ली थी और फाइनली जो हाफ क्वांटिटी एग्जीक्यूट की वो जब 29,500 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई उसके बाद हमने जो है हाफ क्वांटिटी और एग्जीक्यूट की थी। देखिए हम कभी भी एवरेज करते हैं तो हम जब ग्रीन में होते हैं तब एवरेज करते हैं, हम रेड में कभी एवरेज नहीं करते हैं। सो आपको भी यही करना है, आपको हमेशा ग्रीन में एवरेज करना है, आपको रेड में कभी एवरेज नहीं करना है। सो हमने यहाँ पर जो तीसरा ट्रेड यहाँ पर जो 1 बजे का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर हमने पहली अपनी एंट्री बना ली थी और वो एंट्री हमने बनाई थी शायद चलिए मैं उसके बारे में अभी बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल में आपको लेकर चलूंगा, 272 पे बताई थी और वो मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा ऑप्शन डबल हुई थी वो, तो उसके बारे में बात करें। अब देखिए अब हमारे पास कल के लिए क्या, हमने कल क्या करना है ठीक है, और कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है ठीक है। अभी अभी देखिए जो हम कंटिन्यू 4-5 दिनों से फॉलो कर रहे हैं हमने कल भी वही फॉलो करना है, हमने इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करना है। देखिए मेरी एनालिसिस बहुत सिंपल होती है ठीक है, और सिंपल चीजें ही मार्केट में पैसे बना के देती हैं। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों के पीछे जाएंगे तो आप मार्केट से कभी पैसा बना नहीं पाएंगे, आप हमेशा मार्केट को पैसे देकर ही जाएंगे, आप सवेरे प्रॉफिट कर लेंगे बट एंड ऑफ द डे आप जो है लॉस में ही रहेंगे। सो चीजें सिंपल रखिए, बिल्कुल सिंपल चीजें फॉलो करिए। अब देखिए मैंने आज पूरे दिन मैंने क्या फॉलो किया, आज पूरे दिन हमने जो है सिर्फ एक ट्रेंड लाइन फॉलो किया है और कुछ भी नहीं फॉलो किया है ठीक है, कि ट्रेंड लाइन फॉलो किया है। उसके बाद ये देखिए जो मार्केट में एक रेंज बनी थी तो ये रेंज फॉलो किया है, ये रेंज देखिए अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता तो हम ऊपर की तरफ जाते, नीचे की तरफ होता तो नीचे की तरफ जाते। और ये मैंने आपको इमेज जो है मैंने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर दी थी कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम बाइंग करने जा रहे हैं और नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम पुट लेंगे ठीक है ना। तो देखिए चीजें मैं सारी आपको टेलीग्राम में हिंट दे देता हूं, सारी चीजें मैं बता देता हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं पैसे आप यहां से अच्छे बना रहे होंगे ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर रेंज ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर हमको सीधा वन साइडेड मूव मिला हमको 300 पॉइंट्स। देखिए यहां पर 24 आप यहां जो लेवल था ये मेरे ख्याल से 24,460 का लेवल था, तो 24,460 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ देखिए 24,460 के बाद सीधा 24,764-65,788 तक गया ये, तो हमने जो है नियर अबाउट 750-60 के नियर अबाउट हमने अपनी सारी पोजीशन जो है क्लोज कर दी थी। तीन ट्रेड लिए हमने, तीनों जो है अच्छा प्रॉफिट देखे गए, लास्ट वाला ट्रेड में वहां पर हमारी ऑप्शन डबल हुई थी। तो अब देखिए हमको क्या करना है, कल भी हमको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है। अब देखिए अब मैं आपको यहां पर एक चीज यहां पर मैं बताने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी देखिए अब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक रेंज बना रहा है ठीक है। अब यहां पर ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मीन्स यहां पर जाके सस्टेन कर रहा है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, देखिए मैं आपको तीन सिनेरियो बताऊंगा, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग ओके। अगर यहां पर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे ये लेवल क्रॉस होने का जो आज का हाई लगा है, मींस 29,780 का, 29,780 जैसे ही क्रॉस करेगा और 2-4 मिनट सस्टेन करने के बाद हम यहां पर एंट्री ले लेंगे ठीक है, तो हम यहां पर बाइंग साइड में हो जाएंगे। दूसरा देखिए क्या हो सकता है, दूसरा गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए अभी यहां पर क्लोजिंग आई है 29,738 की, अगर यहीं कहीं आपको मान लीजिए 200-300 पॉइंट्स नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है और आपको यहां पर ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं मिलता है और यहां पर आपको जो है कोई कंफर्मेशन मिलती है उसके बाद फिर आप जो है यहां पर बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है क्वांटिटी कम रखिएगा, जब ये लेवल ब्रेक हो तो आप जो है आधी क्वांटिटी फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहां पर आधी क्वांटिटी में ही ट्रेड करिएगा, बिकॉज यहां पर देखिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है ये ब्रेकआउट भी हो सकता है ट्रेंड लाइन ठीक है। दूसरा देखिए हमको क्या करना है, अगर तीसरा जो है अगर गैप डाउन, गैप अप, अब गैप डाउन ने बता दिया कि अगर आपको ट्रेंड लाइन के पास मिले तो आपको बाइंग साइड में जो है अपनी पोजीशन के लिए मतलब तैयार रहना है बट आफ्टर कंफर्मेशन ओके। दूसरा क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग में आपको यहां पर वेट करना है 29,800 का लेवल ब्रेक होने का, 29,800 के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर बाइंग साइड जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वहां पर आपको वेट करना है और प्राइस एक्शन को जो है फॉलो करना है, प्राइस एक्शन जिस तरफ निकलता है उस तरफ हम जा सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जो है बनता है तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे, हमारा जो है टारगेट ऊपर का होने वाला है 29,000 का, हमारा जो टारगेट है 29,200 का हमारा जो है कल का टारगेट है ऊपर के लिए। देखिए कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले दिन जरा ध्यान से ट्रेड करना है आपको, जो है देखिए इंपल्स मूव पकड़नी है जहां से मूव स्टार्ट होनी है, बिकॉज अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको इंपल्स मूव पकड़नी है। मोस्टली देखिए मैं तो ऑप्शन राइट जो है करता हूं अपना एक्सपायरी वाले दिन ठीक है, तो मैं ऑप्शन राइटिंग भी करूंगा और जहां पर मेरे को इंपल्स मूव दिखाई देगी वहां पर मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ भी जाऊंगा। तो ये हमारी जो है देखिए कल की ट्रेडिंग प्लान है। अगर देखिए कल यहां पर ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमारा पहला टारगेट यहां पर रहेगा देखिए 29,500 का। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये आप समझ लीजिए कि यहां पर हम जो है कल 29,300 तक का लेवल दे सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा 29,500 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 29,300 का।
ठीक है, और ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 29,000 का और 29,200 का। ये लेवल ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि देखिए इन लेवल पे ही हमने काम करना है। इन लेवल देखिए लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप लेवल को देखकर ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड करते हैं, जो है देखिए मल्टी कन्फर्मेशन होनी चाहिए आपके ट्रेड में, ठीक है। तो ये हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान है, तो कल एक्सपायरी डे में जो है आपको ध्यान से ट्रेड करना है। मार्केट वोलेटाइल भी कल हो सकता है, तो इसलिए देखिए मार्केट ऊपर जाकर नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर हो सकता है, शायद वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जो है मतलब आपकी साइड में जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखिए, करिए स्टॉप लॉस छोटा रखिए और टारगेट बड़ा रखिए। चलिए अब जो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक देखिए फाइनली यहां पर जो 520 के ऊपर हमने यहां पर पोजीशन के लिए बोला था, 520 से कंटिन्यू देखिए अभी जो आज का हाई लगा है वो 640 लगा है। कल के लिए हम यहां पर 640 के ऊपर जो है इंट्राडे के लिए बाइंग कर सकते हैं, हमारा टारगेट होगा 645 और 650 का। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो है आ रहा है, इसको जो है अभी कल की डेट में इसको ट्रेड मत करिए, इसको 370 एक बार क्रॉस कर लेने दीजिए, उसके बाद हमारा टारगेट यहां पर 400 के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी देखिए फाइनली ये जो इसका एक रेजिस्टेंस ये हम कह सकते हैं जो पिछला हाई था वो आज इसने ब्रेक कर दिया है, इसको हम ट्रेड करेंगे आज के हाई के ऊपर, मींस 50 रुपए के ऊपर। जब ये 50 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इसमें हमारा टारगेट होगा 51 रुपए और 52 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक देखिए अभी बिल्कुल डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, फर्स्ट टॉप आपका ये रेड कैंडल देख सकते हैं और सेकंड जो है आज इसने बना दिया है। तो मे भी यहां पर कल कोई छोटी कैंडल बन सकती है, कल कोई इनसाइड कैंडल बन सकती है, बट अगर मार्केट में स्ट्रेंथ पूरी रही तो आप इसके ऊपर ही बाइंग कर सकते हैं। अगर 63 रुपीज के ऊपर निकलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कल अवॉइड करिए, बिकॉज यहां पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। देखिए हमने कहीं भी रिस्की स्टॉक्स में हमने ट्रेड नहीं करना है, बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं ट्रेड करने के लिए, बैंक निफ्टी के बहुत सारे ऑप्शन पड़ी हुई है ट्रेड करने के लिए, जहां पर कंफर्मेशन मिलती है वहां पर ट्रेड करिए। देखिए ट्रेड कम करिए, आपके ट्रेड कम होने चाहिए बट आपकी क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्वांटिटी में आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए क्वालिटी पर, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि आपने 10 ट्रेड कर लिया और 10-10 20-20 पॉइंट लेके आपने बुक कर दिया। अगर 10 ट्रेड में आपने 10-10 पॉइंट लिया और 10 प्रॉफिट बनाया तो 100 पॉइंट बने। अगर आपने एक ही ट्रेड में 100 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया तो वो ट्रेड आपके लिए देखिए ब्रोकरेज भी बचाएगा, आपका टैक्स भी बचाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वो एक अलग ही तरह का मतलब वो बूस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक देखिए मैं इसके बारे में आपको देखिए ध्यान से बताऊंगा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहां पर जिस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर एक इस तरह से उसने रेंज बनाई हुई है, मतलब एक यहां पर ये लेवल इसके लिए अब जो इम्पोर्टेंट है वो 1420 का लेवल। अब 1420 के ऊपर जैसे ही ये निकलता है इसको 2-4 मिनट इसको सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद फिर जो हम इसमें बाइंग की एंट्री बनाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर HDFC बैंक और HDFC बैंक के साथ जो कहीं ICICI या कोटक बैंक इसके साथ दे दिए कल ऊपर निकलने में, तो कल बैंक निफ्टी जो है काफी एक अच्छा हाई लगा सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए क्योंकि HDFC बैंक इसकी जो है बेटे जो है बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद कोटक बैंक है, उसके बाद ICICI बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक, फिर इंडसइंड बैंक, फिर SBI बैंक। तो मैं इन 6 बैंक को फॉलो करता हूं, सो आप लोगों को मैं 6 बैंक के बारे में बता रहा हूं। अभी 1420 के ऊपर इसको जो है बैंक साइड में देखना है। नेक्स्ट हमारा ICICI बैंक। देखिए इसमें मैंने आपको एक कोटक बैंक का एग्जांपल दिया था और वो एग्जांपल मैंने आपको यहां पर देखिए दिया था 450 के आसपास की, 450 क्रॉस करेगा तो हम यहां पर पोजीशन बना सकते हैं। तो 450 से फाइनली देखिए टारगेट हमारा 490 अचीव हो गया और यहां पर देखिए जो रेंज जो पैटर्न यहां पर बन रहा था, ध्यान से देखिएगा यहां पैटर्न को, जो पैटर्न यहां पर बन रहा था सेम पैटर्न देखिए अब यहां पर बन रहा है और आज इसका ब्रेकआउट हुआ है। सो हम यहां पर जो है 500 के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप जो छोटा स्टॉप लॉस रखकर मीन 480 का स्टॉप लॉस रखकर आप जो है बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा IDFC बैंक। IDFC बैंक को रहने दीजिए, 50 रुपए के नीचे का स्टॉक है। इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक का देखिए हमने वेट करना है, वेट कहां तक करना है, 872 के ऊपर, 872 के ऊपर निकलेगा फिर हम इसमें जो है बाइंग की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने देखिए कोटक बैंक और HDFC बैंक ने जो है काफी अच्छा एक सपोर्ट किया है बैंक निफ्टी को, तो कोटक बैंक को हम कल बाय करेंगे 1830 रुपए के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 1845 रुपए, दूसरा टारगेट होगा 1860 रुपए और तीसरा टारगेट होगा 1875 रुपए। नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए मैं हम कितने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि जो है जब 30 रुपए का मतलब ये लेवल क्रॉस करे और क्लोजिंग दे दे, तो फाइनली यहां पर देखिए 30 रुपए का लेवल जो है आज ब्रेकआउट हो चुका है और यहां पर हम वॉल्यूम भी अगर देखें तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा यहां पर जनरेट हुआ है। अब यहां पर देखिए 30 रुपए 85 पैसे पर यहां पर क्लोजिंग आई है। अब 30 रुपए 85 पैसे 31 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर चाहें तो बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अपना टारगेट यहां पर होगा 34 रुपए और यहां पर 37 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक ने यहां पर देखिए आज ब्रेकआउट दे दिया, बट यहां पर अगर हम इसको
एक ये पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमको सारे जो है लेके चलने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारा, देखिए ऐसा मैंने क्यों ड्रॉ किया, ऐसा मैंने ड्रॉ किया बिकॉज हमने यहाँ पर अपना टारगेट निकालना था। अभी हम 222 के ऊपर हम बाय करते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, इसलिए मैंने ये ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो अभी यहाँ पर हमारा टारगेट देखिए 230-232 तक ये आरबीएल बैंक जा सकता है, शायद वहां से मे भी वहां से रिवर्स हो, बट हम ये जो है कल यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं 222 रुपए के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 225, दूसरा होगा 228 और तीसरा होगा 231 रुपए। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी आज ब्रेकआउट दे दिया है। ये एक लेवल था हमारा 250 का, तो 250 का लेवल जो है ब्रेकआउट हो चुका है आज। बट वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम कुछ मेरे को खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस हिसाब से कैंडल है उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं है। बट यहाँ पर जो है वेट करिए, आप 253 के ऊपर आप यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 255, 257 और 260 यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। अब चलिए आइए टेलीग्राम चैनल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखिए जो आज हमने जो ट्रेड बनाए थे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये जो कल मैंने आपको एक चार्ट यहाँ पर दिया था बनाकर, तो ये देखिए जैसा मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी और ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने बताया था कि हम ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बुलिश हैं और इसके नीचे बियरिश हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ पर जो है कि इसने अच्छा काफी अच्छा एक मतलब देख सकते हैं 30 मिनट का ये चार्ट मैंने आपको पोस्ट किया था। तो मैं तो 1 मिनट के चार्ट में मैं ट्रेड करता हूँ, सो हमको यहाँ पर अच्छी एंट्री मिल गई थी। तो ये हमारा पहला ट्रेड था। और दूसरा ट्रेड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनली मार्केट ने ये देखिए 15 मिनट की कैंडल बनी थी और दूसरी यहाँ पर कंटिन्यू रेंज बननी यहाँ पर चालू हो गई थी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसके ऊपर जैसे निकलेगा आपको बाइंग करनी है। और फाइनली यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये चार्ट जो कुछ टाइम के बाद मैंने फिर ये पोस्ट किया था बिकॉज यहाँ पर रेंज स्टार्ट हो गई थी बननी। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ कि अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आप बाइंग साइड जाइए और नीचे की तरफ अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप क्लियर कट सेल साइड जाइए। और फाइनली यहाँ पर देखिए इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ये देखिए ये भी मैंने चार्ट मैंने आपको अपडेट किया था। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए ऊपर कंटिन्यू हमको एक वन साइड 300 पॉइंट्स की हमको एक मूव मिल गई। तो अगर आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल देखिए आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है बिकॉज यहाँ पर मैं कंटिन्यू आधे घंटे एक घंटे पर आपको चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ और मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में बताता रहता हूँ। अगर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल ब्रोकिंग का या अलायंस ब्लू का, आप जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है वो स्क्रीनशॉट हमको सेंड करना होगा फंड को ऐड करके। उसके बाद वहां पर मैं आपको अपनी पर्सनल कॉल भी दिया करूंगा, जो कॉल मैं खुद ट्रीट करता हूँ वो कॉल भी मैं आपको दिया करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।